हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। आज की ब्रिट ओपन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मासिस्ट अहमदाबाद से। मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती है, मैं बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर हूँ। आज की ब्रिट ओपन में हम सब का स्वागत करते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं पैसों की। पैसा लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है और पैसे के बारे में जब एक पीएचडी इन मैथमेटिक्स बताएगा तो बात में दम हो जाएगा, और वही बात आज होने वाली है। बहुत ही सफल व्यक्तित्व है, नांदेड़ से हैं, गणेश पाटिल जी उनका नाम है। प्रोफेशन से पीएचडी मैथमेटिक्स हैं और उनके और जो सफल लोग हैं ना उसके बारे में मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कहते हैं ना, रेत बहती है मिट्टी ढह जाती है, मगर कुछ जिद्दी लोग अपनी दिल की सुनते हैं और उसी को वो किला बना देते हैं। तो आज ऐसे ही हम मजबूत लोगों को सुनेंगे जिन्होंने अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का किला बनाया है। वो कैसे बनाया है, क्या उन्होंने ऐसा किया कि जिससे फाइनेंशियल फ्रीडम तक वो पहुंच पाए, तो उनकी वाइफ के बारे में बताएंगे धर्मिशा। भाग्यवती जी के बारे में मैं बताऊं तो वो पहले हाई स्कूल में टीचर थे। अपनी टीचर की जॉब के साथ उन्होंने एक स्मार्ट काम किया कि ये बिजनेस को उन्होंने पार्ट टाइम में बहुत अच्छी तरह से बिल्ड किया। वो खुद तो सफल हुई लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों को सफल होने में भी हेल्प किया, और आज उन्होंने एक ऐसी एसेट बनाई है कि वो आज बहुत कंट्रियां घूम रही है और एंजॉय कर रही है। तो आज हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल नोट्स बनाना। तो हम वेलकम करते हैं, तो हेल्प मी इनवाइट डॉक्टर गणेश पाटिल फ्रॉम नांदेड एंड भाग्यवती पाटिल ऑन डिजिटल स्क्रीन। गुलाब के फूलों के साथ उनका स्वागत किया जाए है एक, पर आप उसको गुच्छा ही समझ लीजिए। सर, गुलाब स्वीकार करें और शुरू करें। थैंक यू सुनील जी एंड धर्मिष्ठा जी। आई एम ऑडिबल? यस सर। तो दोस्तों, आप सबका ये डिजिटल डाइस के ऊपर आप सबका हम स्वागत करते हैं, और रिसेंटली हम अंतालिया से आए हैं तो थोड़ा आवाज में आपको फर्क महसूस हो रहा है। लॉट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन एवरीवेयर इन अ जर्नी आल्सो, और वो बोलते हैं ना कि नया एक ऋतु आ गया है हमारे, वो विंटर सीजन में रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है बहुत सारे लोकेशन में। तो हम अंतालिया में गए थे तो अंतालिया में उन्होंने बताया कि यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड, क्योंकि अंतालिया में 365 डेज में सिर्फ 40 डेज रेन रहता है बोले, और आप लोग आए तो यहाँ पे रेनी सीजन स्टार्ट हो गया। और पूरा जो फार्मिंग है अंतालिया का, वो पूरा वहाँ का फार्मिंग जो है वो पूरा सेट नेट के ऊपर चलता है, यानी प्राइवेट फार्मिंग करना पड़ता है पूरा उनको। नेचुरल फार्मिंग जैसा इंडिया में होता है वैसा वहां पे नहीं होता है। तो अभी आपको जो हम पहले बात करेंगे रिगार्डिंग अवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो मैं बात करने के पहले मेरी मिसेस आपसे बात करेंगी। हियर इज माय बेटर हाफ। नमस्कार दोस्तों, नाम है भाग्यवती पाटिल, टीचर हूँ, पार्टनर में बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। तो आज जो भी प्रेजेंटेशन देखने वाले आप ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और डिसीजन लेते तो जैसे हमारा लाइफ चेंज हो गया और हम लाइफ को एंजॉय कर रहे तो वैसा भी आपका भी लाइफ चेंज हो सकता है। थैंक यू ओवर टू माय हस्बैंड गणेश पटेल। थैंक यू। ये मेरी फेवरेट स्पीकर है और बिजनेस को पूरा संभालती है मेरे, मुझे संभालती है। और आप सबको पता है मैथमेटिक्स में जो इंसान पीएचडी करता है उसको संभालना आसान काम नहीं रहता है, ठीक है। और ये बिजनेस में तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो शादीशुदा लोग है उनका होम टीम अगर स्ट्रांग रहता है तो ये बिजनेस में वो बहुत आगे का मुकाम पा सकते हैं। तो जैसा मैं आप सबसे बातचीत शुरुआत करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं मेरा फैमिली बैकग्राउंड आपको बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा कि मेरे जैसे इंसान को ये बिजनेस की जरूरत है तो आपको है या नहीं है।
हम जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये बिजनेस में आने के पहले मैंने बहुत सारा पढ़ाई किया है, जैसा मैंने एमएससी किया है, उसके बाद में मैंने एमएड किया है, उसके बाद में मैंने पीएचडी किया है, उसके बाद में मैंने डीबीएम किया है, उसके बाद में इंटरनेशनल जर्नल में मैंने 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, उसके बाद में मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया में भी पेपर पब्लिश किया है, जैसा कैलिफोर्निया से मुझे कुछ सुन रहे हैं यहाँ पे लीडर्स, तो पूरा वर्ल्ड में मैंने बहुत सारे पेपर पब्लिश किए इंटरनेशनल जर्नल में। और मेरा सपना क्या था पता, कि कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके मुझे प्रोफेसर होना है, और उस हिसाब से मेरा प्लानिंग भी चल रहा था। 1991 में मैं नांदेड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बोल के मैंने ज्वाइन किया। 1993 में मेरा मैरिज हो गया और 1994 में मुझे फर्स्ट जर्क बैठ गया, मेरा जॉब चला गया। अभी जो फुल सैलरीड इंसान रहता है उसका जब नौकरी चला जाता है तो क्या तकलीफ होता है वो जिसका जाता है उसको ही पता चलता है। जैसा अगर आपको मैं पूछूंगा कि पानी का टेस्ट कैसा है तो आप आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि आप पानी तो जन्म से पी रहे हो पर आप पानी का टेस्ट मुझे नहीं बता सकते। उसी तरह से दर्द क्या होता है फाइनेंशियल क्रंच आने के बाद, जो इंसान हो फाइनेंशियल क्रंच से जाता है उसको ही पता चलता है, वो आप बयान नहीं कर सकते। दर्द उस चीज को बोलते हैं जिसको आप बयान नहीं कर सकते, जिस चीज को आप बयान कर सकते उसको दर्द नहीं बोला जाता है। ये कभी भी जीवन में आप ध्यान में रखिए, और जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ऐसा दर्द अगर आपके जीवन में आता है तो उसके ऊपर का रामबाण इलाज ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा जॉब जाने के बाद मैंने 2 साल खेती किया, खेती में भी मुझे बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस बियर करना पड़ा। उसके बाद मेरे एक दोस्त थे, क्लासमेट थे मेरे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा गुस्सा किया, भी क्लासमेट को अधिकार रहता है गुस्सा करने का, बोले इतना सब पढ़ाई करने के बाद आप खेती क्यों कर रहे हो। तो मैं बोला प्रिंसिपल बेस्ड इंसान हूँ, मैं खुद को बेच के नौकरी नहीं कर सकता। अभी आपको पता है इंडिया में अभी कहाँ पे जॉब मिलाना है तो आसानी से जॉब नहीं मिलता है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स रहते हैं। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ऑल द अदर थिंग्स। तो फिर मैंने 1996 में बॉम्बे में मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ सिंडैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स बॉम्बे में, जहाँ पे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी एक जमाने में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, वो कॉलेज में मैं प्रोफेसर बोल के ज्वाइन हुआ। और वहाँ पे मेरा सर्विस चल रहा था, वहाँ पे मैंने पढ़ाया स्वप्निल जोशी को, जो अभी मराठी फिल्म में एक्टर है, रितेश देशमुख को मैंने पढ़ाया है, वो भी मराठी हिंदी मूवी में एक्टर है। अभी रिसेंटली मैं अंतालिया गया था तो मेरा स्टूडेंट वहाँ पे परफॉर्म कर रहा था, जो शान बोल के है ना, शंतनु चक्रवर्ती, ही इज माई स्टूडेंट, उसको मैंने 1996-97 में हमने पढ़ाया वाला है। वो मैक्सिमम टाइम तो कैंटीन में रहता था, वैसा भी कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे मैंने देखा है वो कैंटीन में ज्यादा रहते और क्लास में कम रहते, पर मैंने देखा कि वो फाइनेंशियली हमारे से वेल ऑफ है। उसका रीजन हम मैंने एक और एक ऑब्जर्व किया बॉम्बे जाने के बाद, कि टीचिंग प्रोफेशन में बॉम्बे के लोग बहुत कम है, बाहर के लोग बहुत ज्यादा है, बॉम्बे के लोग बिजनेस में है। फिर मेरे समझ में आ रहा था कि यार हम जो नौकरी रास्ता चुने है ये रास्ता, मैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसी भी प्रोफेशन को पुट डाउन करना ये मेरा अल्टीमेट गोल नहीं है। मेरा आज आपके साथ बात करने का उद्देश्य आपको मैं जगाने के लिए आया हूँ, और जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी रिसेंट आज का इंफॉर्मेशन है 2022 में नियर अबाउट 20 करोड़ पीपल दे लूज देयर जॉब्स, क्योंकि देखो ट्रेंड्स आर चेंजिंग, वो बोलते हैं ना चेंज विद द ट्रेंड अदरवाइज एंड। तो 96-97 में मैंने जॉब बॉम्बे में किया, मेरा वाइफ बॉम्बे आने के लिए तैयार नहीं था, उसके जो अंकल थे वो एक्स मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, तो उसका बचपन बॉम्बे में मलबार हिल में गुजर चुका था, तो वो बॉम्बे का लाइफ स्टाइल उसको पसंद नहीं आता था। उसके बाद में मेरे पापा रिटायर्ड गैजेटेड ऑफिसर है, मेरे एल्डर ब्रदर डॉक्टर है, उनकी मिसेज डॉक्टर है, उनके बच्चे भी अभी डॉक्टर बन गए हैं, मेरी बेटी भी अभी MBBS करने के लिए रशिया उसने एडमिशन लिया है, बेटा अभी मेरा 10th में है। तो ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। मेरा वाइफ बॉम्बे आने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर 1996 में उसने जॉब के लिए सर्च करना शुरू किया, तो फिर उसको भी टीचिंग प्रोफेशन में जॉब मिल गया। फिर मैंने थोड़ा सा रिवर्स गियर लिया, अभी नरीमन पॉइंट में पढ़ाने वाला इंसान विलेज एरिया में आके अगर कॉलेज में ज्वाइन करता है तो उसका दिल नहीं लगता है, तो बोला फैमिली को बचाना है तो बोला थोड़ा सा रिवर्स गियर लेना पड़ेगा। फिर मैं नांदेड़ के नज़दीक आ गया और मैं पहले मंथली हस्बैंड था,
बाद में मैं वीकली हस्बैंड बन गया। कुछ लोग गल्फ में जाके नौकरी करते हो, ईयरली हस्बैंड बनते हैं। तो हस्बैंड का डिफिनेशन अलग है, ईयरली हस्बैंड, मंथली हस्बैंड, क्वार्टरली हस्बैंड, वीकली हस्बैंड। अभी मैं फुल टाइम हस्बैंड हूँ एंड दैट ऑल क्रेडिट गोज टू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैं बहुत यानी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जिससे मुझे आजादी मिली है और आज मैं फुल टाइम पेरेंट हूँ और पार्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी को डेवलप करता हूँ और आज मैं लाइफ ऑफ चॉइस जीता हूँ। देखो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके पास लेटर है ए बी एंड सी, ए और सी के अंदर एक ए और सी के अंदर आपका बी जो लेटर है बी सी एंड डी। बी यानी क्या है पता है, आपका बर्थ है, डी यानी क्या आपका डेथ है और उसके अंदर सी लेटर है। अब वो सी लेटर क्या है पता है, आपके किताब के पन्ने हैं, वो आपको कैसे राइट करने है आपका राइट है। वो किताब के पन्ने आप लिख सकते हैं लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज के, या वो बुक आप लिख सकते हैं लाइफ ऑफ चॉइस के, निर्णय आपका है। तो मैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आपको अगर लाइफ ऑफ चॉइस चाहिए तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो 1997 में मैं नियर बाय प्लेस में जॉब करना शुरू किया और फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि नरीमन पॉइंट बॉम्बे में जॉब करने वाला इंसान विलेज एरिया में चैलेंजेस होने लगे मुझे। तो मैंने फिर अगेन स्टार्ट कर दिया सर्च और मैं कनाडा जाने के लिए पूरा प्लानिंग मेरा हो गया था। कंसल्टेंट को पैसा देने के लिए मैं 2 लाख रुपए घर पे लाके भी रख दिया था और मेरा इंटरव्यू भी हो चुका था कनाडा के लिए और मैं अभी पैसा दूसरे दिन देने वाला था और गॉड हैज अ मास्टर प्लान इन माय लाइफ। वो गॉड का डेस्टिनी गॉड डिजाइन करता है हमारे लिए। अभी आज आप डिजिटल डायस पे मुझे सुन रहे हो, ये भी गॉड का मास्टर प्लान। जो स्पेशली नए लोग जो वो गॉड चाहता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, उसके लिए जिस इंसान ने आपको इनवाइट किया है उसको आप थैंक्स कीजिए कि अपॉर्चुनिटी के लिए उन्होंने आपको इनवाइट किया है। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में थ्रू स्ट्रेंजर आया और उनकी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे क्वालिफाई किया और मैं ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो गया। उनका नाम है प्रदीप काकड़े जी और उनके थ्रू मेरे लाइफ में मेंटर आए डायमंड गोइंग एडिसन डबल मिस्टर किरण एंड स्नेह देसाई। तो उन्होंने हमें नर्चर किया, सिस्टम को प्लग किया और सिस्टम को प्लग करके हम ये बिजनेस में हमारा जर्नी हमने स्टार्ट किया, करते गए करते गए करते गए। आज मैं गए 21 साल से इस बिजनेस में हूँ और आज मेरा ह्यूज एम्पायर है ऑल ओवर वर्ल्ड। ये साल ही हमने नया ब्रांड न्यू EDC ब्रेक किया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, राजकुमार एंड सीता मोरे, जिनको मैंने पर्सनली स्पॉन्सर किया है। अभी जिस इंसान को मैंने पर्सनली स्पॉन्सर किया है, ABCD सिखाया, आज वो EDC है, तो आप अंदाजा लगा सकते कि 21 साल का हमारा विजडम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये बिजनेस को हमने बहुत पैशनेटली डेवलप किया है। ये बिजनेस में जब हम आए थे हमारे को बच्चे नहीं थे, हमने ये बिजनेस को हमारा बच्चा समझा और ये बच्चे को हमने खाना खिलाना शुरू किया और ग्रो करना शुरू किया बच्चे को। ये बच्चा बढ़ना शुरू हो गया और ये बच्चा जैसा बड़ा हो गया वैसा हमारे लाइफ में मेरी बेटी आ गई श्रद्धा, उसके बाद बेटा आ गया सार्थक और मैंने मेरे CD का नाम भी चूज करके रखा है, श्रद्धा से काम करो और जीवन का सार्थक करो, जो मेरा CD आएगा आगे चल के। तो उसका मैसेज भी आपको मिल जाएगा कि कोई भी फील्ड में आपको श्रद्धा से काम करना पड़ेगा तो आपके जीवन का आप सार्थक कर सकते हो। और अल्टीमेट लाइफ का गोल क्या है बताना चाहता हूँ कि आप इस दुनिया में आए हो सिर्फ संपत्ति बनाना, ये आपका उद्दिष्ट नहीं रहना चाहिए। आप जब ये दुनिया छोड़ के जाओगे आप संपत्ति साथ में नहीं लेके जाओगे, आपके वजह से आप कितने लोगों के जीवन में बदलाव लाते हो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप ये दुनिया जब छोड़ के जाओगे कम से कम आपने एक इंसान का तो भी जिंदगी बदलना चाहिए, तो गॉड आपको बोलेगा आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर आप ऐसा कुछ अप्रिसिएशन गॉड से चाहते हो तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो जैसा मैं आपको मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके लिए बताया, नॉट फॉर द सेक ऑफ इम्प्रेशन, आप कहां तो भी रिलेट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा प्लान का ओवरव्यू हम दिखा देते हैं, पर डिटेल में आपको अगर इसको समझ लेना है तो जिस इंसान ने आपको इनवाइट किया उनके साथ आप अपॉइंटमेंट सेट कीजिए, इसको डिटेल में समझ लीजिए तो आपका वाई क्लियर हो जाएगा। तो ये बिजनेस को हम पहले क्या करते हैं, कैंडिडेट को क्वालिफाई करते हैं। उसके लिए पहले आपको बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी हमें जो लगता है वो है ट्रस्ट।
जैसा आप होटल में जाते हो तो आप ट्रस्ट किन के ऊपर रखते हो, वो वेटर के ऊपर ट्रस्ट रखते हो कि वो कुछ मिला के नहीं लाया उसने खाने में, am I right or wrong? क्या आप जाके चेक करते हो किचन रूम में होटल के, am I right? आप प्लेन में बैठते हो तो आप ट्रस्ट करते हो पायलट के ऊपर। तो लाइफ में हम हर सेक्टर में हम ट्रस्ट करते हैं, उसी तरह से जिस इंसान ने आज आपको इनवाइट किया है उनके ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंस। ये बिजनेस में आपको ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। आपकी कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगी तो हम आपको बता देंगे, या हमारी कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी तो आपने भी हमें बता देना, जिससे क्या हो जाएगा हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहेगा। तो बी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है ये बिजनेस में आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। जैसा देखो मैंने मेरा पढ़ाई क्यों बताया आपको कि मैं हाईली क्वालिफाइड इंसान हूं, तो आपको क्या लगता है मैंने स्टडी नहीं किया होगा बिजनेस में एंटर करने के पहले? मुझे कोई फाइनेंशियल चैलेंज भी नहीं था वैसा देखा जाए तो, पर मैं बिजनेस को स्टडी करके मैंने स्टार्ट किया है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। देखो स्मार्ट पर्सन किसको बोलते हैं पता है? जो खुद का नॉलेज लेके लेके जिंदगी गुजारता है उसको स्मार्ट पर्सन बोलते हैं। और वाइज पर्सन किसको बोलते हैं पता है? जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है उसका एक्सपीरियंस यूज करता है उसको वाइज पर्सन बोलते हैं। तो आपको वाइज पर्सन बनना है, am I right or wrong? ठीक है, तो आपको फैक्ट्स के बारे में जान लेना है। ओपिनियन आर लाइक आर्मपिट। जैसा बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे जो पंतप्रधान जी है उनको कुछ समझ में नहीं आता है। अभी जो इंसान बोल रहा है वो कहां पे है? एक चौक में खड़ा है, उसका कोई भी रिकग्निशन नहीं, और वो बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर को कुछ समझता नहीं है। तो ओपिनियन आर लाइक आर्मपिट। ओपिनियन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। फैक्ट्स आर फैक्ट्स, फैक्ट्स नेवर चेंज। नेक्स्ट है बिल्ड अ केस फॉर योरसेल्फ। आपको इंटीग्रेबल रहना पड़ेगा, अंदर से और बाहर से सेम। हमें इस बिजनेस में चारित्र्यवान लोग चाहिए। ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? कैरेक्टर है। रिच का लॉन्ग फॉर्म क्या है पता है? रॉयल्टी इनकम विद कैरेक्टर एंड ऑनेस्टी। जो इंसान कैरेक्टर वाला है, जो इंसान ऑनेस्ट है, वही इंसान को रॉयल्टी इनकम मिलता है। क्योंकि रॉयल्टी इनकम मिलने के लिए आपको रॉयल होना पड़ता है। रॉयल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है कैरेक्टर एंड ऑनेस्टी। तो हम क्रेडेंशियल को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं बिजनेस में। वो जनरल मैनेजर रहेगा पर उसके अगर आदतें खराब रहेगी तो वो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर अवर बिजनेस। तो कैरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कैरेक्टर क्लीन चाहिए। नेक्स्ट है आप एम्बिशियस चाहिए ये बिजनेस के लिए। और हम ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देते हैं लोगों के ऊपर। प्रॉफिट के बारे में हम बाद में सोचते, हम लोगों के बारे में पहले सोचते। जैसा एक कुंभार एक बार क्या कर रहा था कि वो मिट्टी रौंद रहा था, तो उसके मिसेज ने पूछा कि भाई आप क्या बनाने जा रहे हो? तो वो बोले मैं आजकल लोग बहुत चिलिम पी रहे हैं तो मैं चिलिम बनाने जा रहा हूँ। तो बोले चिलिम बनाने के बजाय आप सुरई बनाओ ना। तो उसने भी बोला ठीक है चलो मिसेज का सुनते है। उसने फिर मिट्टी को रौंदना शुरू किया और फिर वो सुरई के लिए मिट्टी को ये कर रहा है तो मिट्टी में से आवाज आ गया, कुमार महाशय थैंक यू। वो बोला क्या हो गया? का वो एकदम हक्का बक्का हो गया। बोले अच्छा हो गया आपने मुझे चिलिम नहीं बनाया, आप अगर मुझे चिलिम बनाती तो पूरा जिंदगी मैं जलती थी और लोगों की जिंदगी खराब करती थी, पर आप सुरई बनाने की वजह से क्या हो गया, मैं पूरा जिंदगी ठंडा रहूंगी और लोगों को ठंडा पानी पिलाऊंगी। लोगों मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, जो अपॉर्चुनिटी को आप देखने जा रहे हो ये अपॉर्चुनिटी के में अगर आप डिसीजन लेते हो तो आप आपके घर में रॉयल्टी इनकम क्रिएट कर सकते हो और लेगेसी इनकम क्रिएट कर सकते हो और सुरई के जैसा आप पूरा दुनिया में अच्छा चीज फैला सकते हो। तो अल्टीमेट देखो दुनिया में आपको ईश्वर ने भेजा है, आप एक मिट्टी हो और वो मिट्टी को किस प्रकार का आकार देना है इसके लिए आपको हम एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं। इसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपका लाइफ 101% चेंज होगा और आप जितने लोगों को टच करोगे उनका भी लाइफ चेंज होगा। और ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी लगती है डिसीजन मेकिंग। अभी कुछ लोग डिजिटली यहाँ पे अकेले अटेंड कर रहे होंगे, वो बोलेंगे मैं वाइफ को पूछता हूँ, कोई लेडीज अटेंड कर रही होंगे बोलेंगे मैं हस्बैंड को पूछता हूँ, कोई बोलेगा पेरेंट को पूछता हूँ। आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, एक्सपर्ट्स आर ऑलवेज इन माइनॉरिटी, सक्सेस ऑलवेज इन माइनॉरिटी। जिस इंसान ने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है उसको ही आपको कनेक्ट होना है, और जिनका आपको गाइडेंस लेना है उनको आप उनसे कनेक्ट कीजिए, वो उनको राइट वे से डील करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इंसान में और जानवर में एक ही फर्क है, इंसान सपने देख सकता है। देखो दुनिया में कोई भी इंसान गरीब नहीं रहता है, ध्यान में रखो,
गरीब इंसान किसको बोला जाता है? जिसके सपने नहीं होते उसको गरीब इंसान बोला जाता है, और जिस इंसान के सपने है वो इंसान हर दम अमीर रहता है। तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है, हमें सपने हैं और हमें सपने पूरा करने का पूरा अधिकार है, और हम उसके लिए ही अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हर इंसान चाहता है अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे जगह घूमने को जाना चाहिए, बच्चों का भविष्य अच्छा होना चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, बैंक बैलेंस बढ़िया चाहिए और अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। देखो मैं नौकरी करने के लिए कनाडा जा रहा था, पर गॉड हैज अ मास्टर प्लान फॉर मी। जिस इंसान ने मुझे अप्रोच किया उन्होंने एक सीडी दिया था मुझे, तीर्थंकर सुपर्ण दत्ता जी का एक्सक्यूजेस और लाइफस्टाइल, और वो सीडी में एक लाइन था, गुलामी करना है तो अपने देश में करो, बाहर जाके गुलामी करने की क्या जरूरत है। वो बुलेट के जैसा मेरे दिमाग से गोली चला गया। मैं बोला यार ये इंसान गए 25 साल से अमेरिका में जॉब कर रहा है और वो इंसान ऐसा बोल रहा है, तो मैंने कनाडा जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और मैंने अपॉर्चुनिटी को सीरियस शॉट देना शुरू किया। तभी भी कॉमनली जनरली इंसान इसको सीरियस शॉट नहीं देता है, वो कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता है। मैं प्रोफेसर था, मिसेज टीचर था, घर था, गाड़ी था, सब चीजें थी। पर एक दिन मैं सैटरडे घर पे आया और मेरे मिसेज ने बोला अपने बाजू में जो डेप्यूटी इंजीनियर थे वो कार एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट चले गए। मैंने मेरे वाइफ को एक क्वेश्चन किया, मैं बोला मैं भी जो रोज जॉब पे जाता हूँ, इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपन विद मी ऑन द रोड व्हाट इज अवर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हमने ये बिजनेस को तो देखा है पर हम इसको सीरियस शॉट नहीं दे रहे हैं। तो फिर मैंने इसको सीरियस शॉट देना शुरू किया, फिर मैंने मामा को नहीं पूछा, काका को नहीं पूछा, मैंने काम करना शुरू किया और काम करके विद इन अ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स मैंने मेरा इनकम 5 टाइम रिप्लेस किया। और फिर मेरे वाइफ के साथ मैं बैठ गया कि आप जॉब छोड़ने वाले हो या मैं जॉब को क्विट करूं। मैंने उसको चॉइस दिया, आई एम नॉट सेल्फिश पर्सन। तो मेरा तो सैलरी उससे ज्यादा था, मैं सीनियर कॉलेज में प्रोफेसर था। तो उसने बोला आपको जाने आने का तकलीफ है, आप जॉब को क्विट कीजिए। तो इन द ईयर 2003 आई लेफ्ट माय जॉब 15th अगस्त 2003। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, हम आजाद नहीं हुए थे, हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिला था। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए तो आपकी आजादी की लड़ाई आपको ही लड़ना पड़ेगी। तो 15 अगस्त 2003 को मैं आजाद हो गया। 2004 में वो इंजीनियरिंग कॉलेज शटडाउन हो गया जहां पे मैं प्रोफेसर था। आप सबको पता है जेट एयरवेज इंडिया में रिसेंट एग्जांपल, कितने साल से जो कंपनी था वो शटडाउन हो गया, बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए। जो कलीग मुझे हंसते थे ना मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ बोल के, वो नौकरियां ढूंढना शुरू किए इन द ईयर 2004। आई एम अ फ्री मैन, मैंने मेरा स्टैंड बाय इनकम सोर्स जनरेट कर दिया था। तो आपको मैसेज क्या है कि आपका जब अच्छा वक्त चल रहा है ना तब आप स्टैंड बाय इनकम जनरेट करो ये अपॉर्चुनिटी का यूज करके। और ये अपॉर्चुनिटी का बेस्ट पार्ट क्या है, इसको आप पार्ट टाइम में कर सकते हो। आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है उसको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम में आप इसको डेवलप कर सकते हो। और ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट कि आपको वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। आप फैमिली के साथ इसमें काम कर सकते हो, वेलबींग रह सकते हो। और फेथ, व्हाट इज फेथ? फेथ मींस फाइंड आंसर इन द हार्ट। आपके अंतरात्मा से आवाज आना चाहिए कि मैं लोगों का भला करने जा रहा हूं। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम डेब्ट, कर्जे से मुक्ति। देखो आज मैं खुश क्यों हूं पता है, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं। अभी रिसेंटली मैंने 3rd फ्लोर के ऊपर मैंने घर बनाया है, मेरा जो रहता घर है। मुझे बहुत लोग सजेस्ट करते हैं पर मैं पेरेंट्स से ज्यादा प्यार करता हूं, तो उनके साथ ही मैं, मेरे पापा है, मम्मी तो अभी उन्होंने एड्रेस चेंज किया 2 साल पहले। तो हमने 3rd फ्लोर के ऊपर कंस्ट्रक्शन किया विदाउट, मैंने एक नया पैसा लोन नहीं लिया है। दैट ऑल क्रेडिट गोज टू दिस अपॉर्चुनिटी। इवन अभी मेरे बेटे को MBBS के लिए रशिया के लिए मैंने एडमिशन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, उसके लिए भी कोई लोन नहीं लिया है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। और इसमें पूरा क्रेडिट जाता है मेरे वाइफ को भी जाता है, शी इज अ हार्ड वर्किंग वुमेन। और ये अपॉर्चुनिटी को सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं दूंगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ, आप जी सकते हो, लेगेसी इनकम क्रिएट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना। एक बार ऐसा होगा, एक ग्रैंडफादर भगवदगीता पढ़ रहे थे, और भगवदगीता पढ़ रहे थे तो उनका ग्रैंडसन आ गया, बोला आप क्या ये रोज उठ के भगवदगीता पढ़ते हो, इससे क्या फर्क गिरता है? तो उन्होंने ग्रैंडसन को क्या बोला, थोड़ा सा आप भी पढ़ते बैठो। तो भगवदगीता लेके वो ग्रैंडसन पढ़ना शुरू किया, तो थोड़ी देर के बाद उसने रख दिया बाजू में, बोले मुझे कुछ फर्क नहीं गिर रहा। तो ग्रैंडफादर स्मार्ट थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनके घर में एक कोयला भरने का टोकरी था, तो उसने क्या बोला कि जाइए इसमें थोड़ा पानी लेके आइए नदी से।
तो ग्रैंडसन चला गया नदी से पानी लाने के लिए, वो कोयले भरने की टोकरी से, वो पानी पूरा गिर गया नीचे और वो आ गया वापस। बोले ग्रैंडफादर को बोला इसमें पानी नहीं ला सकते, तो बोले नहीं आप कोशिश नहीं कर रहे हो बराबर, आप और एक बार जाइए। बोले तो और एक बार वो चला गया टोकरी में पानी भर के लाने का कोशिश किया, अगेन वो पानी पूरा नीचे गिर गया टोकरी से। आ गया वो गुस्से गुस्से में टोकरी फेंक दिया, बोला आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। वो ग्रैंडफादर ने क्या बोला पता है, आप जब टोकरी लेके गए थे वो टोकरी कैसा था अंदर से, तो कोयले का टोकरी था तो पूरा काला था, तो दो बार नदी में डुबाने से पूरा वो क्लीन हो गया अंदर से। तो बोले भगवत गीता एक दिन दो मिनट पढ़ने से कुछ फर्क नहीं गिरता है, उसको आपको रोज पढ़ना पड़ता है। जैसा बर्तन को हम अंदर से ज्यादा साफ करते हैं, हम रोज बाहर से नहाते हैं सिर्फ दोस्तों, हमें अंदर से साफ सफाई चाहिए तो हमें अच्छी किताबें पढ़ना पड़ेंगी, अच्छे लोगों के संगत में रहना पड़ेगा, हमारे अंदर से अच्छे बदलाव लाना पड़ेंगे। आपके अंदर अच्छे बदलाव आएंगे तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, उसके लिए आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये बिजनेस में आपको ओनरशिप माइंडसेट से आना है। पहला है इंडस्ट्रियल एज, जैसा 1960 में आपको पता है जो लोगों ने बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप खड़ा किया और एम्प्लॉयज के माध्यम से उन्हें टाइम कंपाउंडिंग किया, जैसा हम इंडिया में एग्जाम्पल देते रिलायंस का। रिलायंस ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप खड़ा किया, उन्होंने 500 प्लस स्टाफ उनके ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, तो उनका क्या हो गया, टाइम कंपाउंडिंग स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप क्वाड्रेंट देखते हो, लेफ्ट साइड में है एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड एंड राइट साइड में बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। अभी आपको लेफ्ट से राइट साइड में आपको क्वाड्रेंट चेंज करना है। अभी लेफ्ट साइड में 90% लोग है वर्ल्ड में और राइट साइड में सिर्फ 10% लोग है। अभी लेफ्ट साइड में जो 90% लोग है उनके पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है, और राइट साइड में जो 10% लोग है ना उनके पास दुनिया का 90% पैसा है। आप कौन से साइड रहना चाहते हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड? मेरे हिसाब से राइट साइड, क्योंकि 90% पैसा है ना उधर। पर ये एड्रेस चेंज करने इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आपको लाना पड़ेंगे। और उसके लिए आपको पहला बदलाव क्या करना पड़ेगा पता है, आपका जो इंडस्ट्रियल एज का थिंकिंग है उसको चेंज करके आपको इंफॉर्मेशन एज के थिंकिंग में जाना पड़ेगा। आपको एक लड़के का मैं स्टोरी से थोड़ा सा क्लियर करूंगा इंफॉर्मेशन एज का पावर क्या है। एक लड़का था, वो ऐसा ही ग्रेजुएशन होने के बाद घूम रहा था रोड के ऊपर और जेब में सिर्फ 50 रुपए था उसके, और वो परेशान था कि 50 रुपए का कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो जिस रोड से कॉलेज जाता था ना वही रोड के ऊपर एक होटल था, तो होटल वाले को देखता था, उसका कस्टमर बेस बहुत कम दिख रहा था उसको, तो उसने जाके उसको अप्रोच किया और उसको क्या बोला, आपको थोड़ा मैं कस्टमर ला के दिया तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा? बोला हम आपको 25% देंगे। तो उसने क्या किया, होटल वाले को थोड़ा सा बोला कि थोड़ा आपको मेरा गाइडेंस फॉलो करना पड़ेगा, कस्टमर भी बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा एम्बियंस चेंज करना पड़ेगा, कलर कॉम्बिनेशन, थोड़ा फर्नीचर मॉडिफिकेशन, वो पूरा उसने गाइडेंस किया और उसने भी चेंज किया होटल वाले ने। और उसने क्या किया, फोटो निकाल के इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, उसका होटल को एक्सपोजर मिल गया और उसका कस्टमर बेस बढ़ना शुरू हो गया और इसका इनकम बढ़ना शुरू हो गया। बच्चे का एज ओनली 20, एट द एज ऑफ 26 ही इज द यंगेस्ट बिलियनियर इन द वर्ल्ड। और ये स्टोरी कोई मैं ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के बच्चे की नहीं बता रहा हूँ, रायगढ़ के नजदीक एक विलेज एरिया है, वहां का लड़का है, उसका नाम है रितेश अग्रवाल। ये लड़के ने आइडिया यूज किया और ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ ओयो की, ओयो बोल के ऐप आपके मोबाइल में है, ओयो होटल्स, 46,000 होटल उसके नेटवर्क में है। उसने स्मार्ट वर्क क्या किया, होटल वालों को रजिस्टर किया ऐप के ऊपर और जो कस्टमर रहने वाले वो रजिस्टर करते हैं, वैसे बैठे जगह रितेश अग्रवाल को पैसा मिलता है। उसने क्या किया, दिमाग का इस्तेमाल किया। आज मैं आपको दिमाग का इस्तेमाल करने का अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूं, आपको मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अमीर बन सकते हो। अभी अमीर बनना या नहीं बनना ये आपका पर्सनल आउटलुक, ठीक है? तो यहाँ पे आपको खर्चे कम लगेंगे, एक 15,000 से 20,000 आपको वर्किंग कैपिटल है, उसके बाद में डुप्लीकेट वाया बिजनेस ओनर है, आपका टाइम कंपाउंडिंग कैसा होगा, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में 500 प्लस बिजनेस ओनर आ जाएंगे तब तक आप लेफ्ट क्वाड्रेंट में ही हो। आप बिजनेस स्टार्ट किया और आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करें तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ही रहोगे, पर अगर आप नेटवर्क खड़ा करोगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन में 500 प्लस बिजनेस ओनर माइंडसेट के लोग आएंगे तब आपका क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी यहाँ पे इंडस्ट्रियल एज का मॉडल क्या है बता देता हूं मैं आपको। अभी समझो आप जॉब कर रहे हो या कोई भी आपका कारोबार चल रहा है, आप रोज नौकरी पे जा रहे हो, जैसा एग्जांपल लेता हूँ कोई रिलायंस के ऊपर आईआईटी से पास आउट हो गया और रिलायंस का जॉब ज्वाइन किया,
और रिलायंस रोज जा रहा है और उसको सैलरी मिल गया 1 तारीख को, वो 1 तारीख को कहाँ चला गया, रिलायंस स्टोर में चला गया और वहां से पूरा प्रोडक्ट ले लिया। यानी अमीर किन को किया, अगेन रिलायंस को। टाइम कहाँ लगाया, रिलायंस कंपनी में। अगेन पैसा कमाया वो कहाँ दे दिया, रिलायंस डिजिटल को, रिलायंस फ्रेश को। यानी एसेट किन का क्रिएट किया, रिलायंस का। इधर टाइम रिलायंस को ही। यानी वो एक शोले पिक्चर का असरानी का डायलॉग है, आप सबको पता है, आधे लेफ्ट जाओ आधे राइट जाओ बाकी के मेरे पीछे आओ। और लाइफ में हम मैक्सिमम टाइम ऐसा ही काम करते हैं, हमारा समय लगा देते हैं एक कंपनी के लिए, वो पूरा जिंदगी उधर चला जाता है और आया वाला पैसा लगा देते दूसरे कंपनी पे, अमेजोन पे या जो कुछ भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम परचेसिंग करते रहते हैं, उनके एसेट क्रिएट करते थे और एक जिंदगी जीते रहते हैं और फैंटेसी वर्ल्ड में जीते रहते हैं। मूवी देखते उसमें खुद को हीरो की जगह बिठा देते, लेडीज हीरोइन की जगह बिठा देते और खुश होके सो जाते और सवेरे उठ के नौकरी पे चले जाते हैं। आपको अगर अलग जिंदगी जीना है तो आपको नेक्स्ट मॉडल में काम करना पड़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन एज मॉडल है। इन्फॉर्मेशन एज मॉडल में करना क्या एग्जैक्टली, आपको कुछ नहीं, आपको आपका रूटीन ट्रैक जो चल रहा है वही करना है, सिर्फ आपको आपका परचेस पॉइंट चेंज करना है। आप जो अमेजोन से या इधर से उधर से कहां से भी प्रोडक्ट जो परचेस कर रहे हो, उसके बजाय हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उससे आपको प्रोडक्ट परचेस करना है। अभी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, रिकमेंड करना है। दिस इज नॉट डोर टू डोर सेलिंग बिजनेस, दिस इज द कंसेप्ट शेयरिंग बिजनेस। आई एम शेयरिंग दिस कंसेप्ट फ्रॉम माई होम। नाउ द वर्ल्ड इज डिजिटल, ड्यू टू COVID-19 सबको चेंज होना पड़ा। मैंने पहले ही बताया, चेंज इज द ट्रेंड अदरवाइज एंड। जैसा डायनासोर नाम का बहुत बड़ा प्राणी था, आज दुनिया में है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? उसने खुद को चेंज नहीं किया। अब डायनासोर अगर इतिहास जमा हो सकता है, हम किस खेत की मूली? तो हमें दौर के हिसाब से बदलना पड़ेगा। ओनली वन थिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड एंड दैट इज कॉल्ड चेंज। ये ध्यान में रखिए। मैंने खुद को चेंज किया, मैंने ऐसा नहीं सोचते बेटा मैंने मैथ्स में PhD किया है। अब बहुत महाभाग मिलते आपको सलाह देने के लिए, सर आपने इतना हाईली क्वालिफाइड हो आप ये छोड़ के ये क्या कर रहे हो? मैंने बोला भाई उधर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, मैंने उसके लिए खुद को चेंज किया। आप चेंज करना चाहते हो वेलकम, नहीं चेंज करना चाहते हो थैंक यू। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, प्रोडक्ट यूज करना है। और शाम का समय जो हम इधर उधर वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया में या नेटफ्लिक्स में, अलग अलग चैनल में हम जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको इन्वेस्ट करना ये अपॉर्चुनिटी। 2 से 3 घंटा रोज आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, उससे आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा और वही पैसा लेके हमारे प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट परचेस करना है और अच्छा लगा कस्टमर को रिकमेंड करना है। उससे क्या हो जाएगा, आपका कस्टमर का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। Isn't it exciting? और इससे आपके खुद के एसेट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपके घर में कार है, शायद वो मर्सिडीज बेंज भी हो सकता है, पर पैंडेमिक सिचुएशन में वो पार्किंग में ही था। पैंडेमिक जाने के बाद वो बैटरी उसको चेंज करना ही पड़ा, मेरे भी कार का चेंज करना पड़ा, तो सबके लिए कॉमन ट्रेंड है, am I right? पर वही कार अगर आप उबर में रजिस्टर करते हो, जो आपके लिए लायबिलिटी था वो आपके लिए कन्वर्ट हो गया एसेट। सेम थिंग, आज आप नहा रहे हो, कपड़ा धो रहे हो, धोए वाले बर्तन में खाना खा रहे हो, ये आपके लिए आज के डेट में लायबिलिटी है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो तो आपके लिए वो एसेट बन सकता है। चॉइस इज यूर्स, लाइफ इज यूर्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी यहाँ पे आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके लिए हमारा एक ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम है, उसका ऐप है ब्रिट वर्ल्डवाइड स्मार्ट टच। ये बिजनेस में बाय डिफॉल्ट यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड। यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम है, जैसे मेरे मेंटर है डायमंड गोइंग एडिसन डबल मिस्टर किरण एंड स्नेह देसाई, उनके लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं, उन्होंने हमें नर्चर किया है बिजनेस में। तो कोचिंग प्रोग्राम है बाहर, आपको कोचिंग, आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो बाहर ही आदमी बिठाया वाला रहता है, वो पहले फीस ले लेता है, बाद में डॉक्टर के, समझो अभी परसों का एक किस्सा हो गया, मेरा एक दोस्त डॉक्टर के पास चला गया, वो अंदर गया, वो डॉक्टर को पूछा उसने, सर मुझे पेट में तकलीफ है, तो वो ENT सर्जन था, वो बोला सर आप रॉन्ग जगह आ गए हो, आपको इनके तरफ जाना है गैस्ट्रिक सर्जन के पास। उसका 250 रुपये ले लिया उसने सलाह देने का। यहाँ आपको फ्री में सलाह मिलता है तो उसका हम कीमत नहीं करते। पर एक चीज ध्यान में रखो, एक्सपर्ट्स आर ऑलवेज इन माइनॉरिटी एंड सक्सेस ऑलवेज इन माइनॉरिटी, ठीक है? तो आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा थ्रू मोबाइल एप्स, थ्रू ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसा मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मेरा 21 साल का विजडम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पर आपसे कुछ एक नया पैसा नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट है आपको थ्रू बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज बहुत सारा
इंफॉर्मेशन मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी एमबीए, एमबीए बोलते लोग बोलते हैं हमें पता है। हाँ पता ही रहना चाहिए, अगर आपको एमबीए पता नहीं है तो आप शायद पृथ्वी नाम के उपग्रह के ऊपर नहीं रहते हो, क्योंकि एमबीए दुनिया में 1959 से चल रहा है। अभी इंडिया में 25 साल पूरे हो जाएंगे इन द ईयर 2023। तो एमवे इज अ रिनोन ब्रांड इन द वर्ल्ड। लोग फेमस होने के लिए क्या क्या नहीं करते। लादेन ने वो टावर उड़ा दिया था फेमस होने के लिए। तो लोग गलत काम करते हैं, हम अच्छा काम करके फेमस हो रहे दुनिया में। तो एमवे इज अ डायरेक्ट सेलिंग में नंबर वन इन द वर्ल्ड है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं एमवे बिजनेस करता हूँ। नेक्स्ट है एमवे का जो डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्न ओवर है 8.4 बिलियन $ टर्न ओवर है 2019 का, ये रिकॉर्ड है ग्लोबल सेल्स का। 72,000 करोड़ ईयरली टर्नओवर वाला कंपनी है। 4,00,000 करोड़ रुपए कंपनी ने बोनस और इंसेंटिव्स के फॉर्म में पेड किए हैं। 32 नंबर के ऊपर है फोर्ब्स का लिस्टिंग में। आपको बताना चाहता हूँ फोर्ब का हर साल लिस्ट निकलता है, बहुत सारे कंपनी जो फोर्ब में लिस्टिंग में आती है वो बाद में बंद हो जाती है, गायब हो जाती है, पर एमवे इज द कारपोरेशन वो उसका नंबर सस्टेन कर रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी का। कंपनी के पास खुद के 1200 प्लस पेटेंट्स है। एक पेटेंट लेने के लिए हमें 10 से 12 साल रिसर्च करना पड़ता है और बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। आपको पता है अभी कोविड का वैक्सीन आने के लिए कितना एफर्ट्स लेना पड़ा। तो इतना बड़ा कंपनी है हमारा, और प्रोडक्ट के बारे में 30 डेज 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी। तो डरने की क्या बात है, चीज अच्छी है, हमें यूज करना है, लोगों को बताना है। और प्रोडक्ट के बारे में मेरी मिसेस आपसे बात करेंगी। सो हियर इज माई बेटर हाफ भाग्यवती। नमस्ते दोस्तों, नाम फिर वही भाग्यवती पाटिल। अभी जब आपने जो प्लान देखा उसमें देखा कि वेल्दी कैसे बनना, पैसे कैसे कमाना, तो अपने सपने कैसे पूरे करना। तो अभी जो प्रोडक्ट बिजनेस है तो प्रोडक्ट्स है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, बाद में ट्रिपल ई बेस्ड प्रोडक्ट्स है, जैसा इफेक्टिव है जैसा बोलते वैसा रिजल्ट देते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, बाद में इकोनॉमिकल है, कॉस्ट पर यूज सस्ते है हमारे प्रोडक्ट्स, और इको फ्रेंडली पर्यावरण के लिए एकदम सुरक्षित प्रोडक्ट्स है। तो बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी में हमारे पास प्रोडक्ट्स है। जैसा पहली कैटेगरी है हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में हमारे पास न्यूट्रेलाइट ब्रांड जो 80 ईयर पुराना है, इसमें अलग अलग रेंज में प्रोडक्ट्स है। जैसा हमारे पास जो हम खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिशनल गैप होता है, पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो वो ये सप्लीमेंट से हमारे न्यूट्रिशनल गैप को पूरा होता है। तो उसमें सबसे पहले है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसा प्रोटीन पाउडर है, न्यूट्रीलाइट डेली है, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, बाद में विटामिन सी, ओमेगा 3, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बाद में वुमेन्स हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स है, किड्स रेंज के लिए प्रोडक्ट्स है। तो आपका ये प्रोडक्ट्स यूज करके आप हेल्दी रह सकते हैं। और सेकंड कैटेगरी हमारे पास ब्यूटी कैटेगरी, ब्यूटी कैटेगरी में हमारे पास दो रेंज है, आरटीसी और एटीट्यूड। आरटीसी में हमारे पास डेली केयर है, वीकली केयर है, बाद में एटीट्यूड में कलर कॉस्मेटिक्स है, फेस वॉश है, बहुत सारे क्रीम्स है, नेल पेंट्स है, लिपस्टिक है। तो इस तरह से हमारे पास ब्यूटी के प्रोडक्ट्स है। बाद में नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास होम केयर, होम केयर यानी हमारा घर साफ सुथरा रखने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसा बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के लिक्विड्स है, एसेट है कपड़े धोने के लिए, डिश ड्रॉप है बर्तन धोने के लिए, बाद में LOC है फ्लोर क्लीनिंग के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे घर में जो घंटों का काम हम मिनटों में कर सकते हैं प्रोडक्ट यूज करके होम केयर के। बाद में नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास पर्सनल केयर, पर्सनल केयर में हमारे पास हेड से लेकर टो तक लगने वाले खुद पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स है पर्सनल केयर में। बाद में हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है एग्रीकल्चर केयर में हमारे पास एफसीआईटी है, क्योंकि हमारा इंडिया कृषि प्रधान देश है, तो एफसीआईटी भी ये यूज करके आपका एटी बोले तो आपका उपज में फायदा ले सकते हैं। बाद में हमारे पास कुकवेयर है एमवे क्वीन, इसमें जीरो ऑयल में आप खाना बना सकते हैं एमवे क्वीन बोल के। बाद में हमारे पास है एटमोस्फियर ड्रायर, वो कार में लगने वाला एयर प्यूरिफायर है। बाद में एटमोस्फियर मिनी है, घर में भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है, तो उसमें भी हमारे पास एटमोस्फियर मिनी है, घर का एयर प्यूरिफायर है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे 150 प्लस प्रोडक्ट्स है। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट यूज किया, खुद को हेल्दी रखा, वेल्दी रखा, और लाइफ चेंज हो गया और सपने पूरे हो गए। तो आप भी ये यूज करके आपका भी लाइफ चेंज हो सकता है। ओवर टू माय हस्बैंड। तो दोस्तों देखो, मेरे मिसेस ने आपको प्रोडक्ट के बारे में बात किया, और उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर का पूरा कारोबार आपको पता है लक्ष्मी जी के हाथ में रहता है, और आप लक्ष्मी जी को अगर प्रसन्न रखोगे तो आपके ऊपर लक्ष्मी हर टाइम प्रसन्न रहेंगी। और ये बिजनेस में मुझे बहुत सारा बदलाव कर दिया,
बहुत लोगों के डाइवोर्स क्यों हो जाते हैं पता है, उनके लाइफ में ब्रीड सिस्टम नहीं आता है बोल के। ब्रीड सिस्टम आपको अंदर से बाहर से पूरा क्लीन कर देता है और एमवे के प्रोडक्ट आपको हेल्दी बना देते हैं। और क्या चाहिए जीवन में इंसान को, आप हेल्दी रहोगे, आपका माइंडसेट हेल्दी रहेगा और आप अच्छी जिंदगी जियोगे, लोगों के लाइफ को टच करोगे, और क्या चाहिए। तो एमवे का ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ इन द ईयर 1998 और एमवे ने पूरा स्टडी किया, 1995 से रिसर्च शुरू हो गया था इंडिया के लिए, जब गैट करार के ऊपर साइनिंग हो गया था उसके बाद ही एमवे कॉर्पोरेशन ने सर्वे करना स्टार्ट किया 1995 में, और 1998 में इंडिया में एमवे कॉर्पोरेशन लॉन्च हो गया। इंडिया में एमवे का जो इन्वेस्टमेंट है 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अभी आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, ये आप सिर्फ व्हाट्सएप कर रहे हो और गायब होने के चांसेस किनके ज्यादा रहते हैं, 600 करोड़ इन्वेस्ट किए उनके रहते हैं या सिर्फ आधार कार्ड भेजा है उनके रहते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। इफ यू केम विदाउट रीजन इन दिस अपॉर्चुनिटी यू गो विदाउट रीजन। आपका अगर कोई स्ट्रांग रीजन है तो ये बिजनेस आपके लिए है। तो एमवे का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्लीन इन्वायरमेंट है, लेवरेजिंग डिजिटली है, इनोस्को के अवार्ड से एमवे को, और इक्वल अपॉर्चुनिटी है, समय की कमतरता है। मैं एमवे के बारे में बात करते बैठूंगा तो पूरा रात निकल जाएगा, इतना एमवे अपॉर्चुनिटी है। मैं 21 साल से एमवे में हूँ, मुझे सिर्फ 5% एमवे पता है। बहुत लोग मुझे मिलते हैं वो बोलते हैं मुझे पूरा एमवे पता है, तो मुझे हंसी आ जाता है। वो बोलते हैं ना, वो जितना आदमी ज्यादा पढ़ाई लिखाई करता है ना उसको एक चीज पता चलती है, आई नो द ड्रॉप रिमेनिंग इज ओशन। मैं मैथ्स में PhD हूँ तो मुझे पता है, मुझे सिर्फ एक ड्रॉप पता है, बाकी सब महासमुंदर है। और जो नहीं पढ़ा लिखा रहता है उसको क्या लगता है मुझे सब पता है, वो इग्नोरेंस में जिंदगी जीते रहता है। तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। ये बिजनेस प्लेटफॉर्म में हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट लेने के लिए एमवे का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको कॉम्पनसेशन प्रोग्राम, प्रोडक्ट एंड फुलफिलमेंट प्रोवाइड करता है। ब्रीट वर्ल्ड वाइड आपको ट्रेनिंग देता है एंड मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल करता है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपका परचेज पॉइंट चेंज करना है, प्रोडक्ट यूज करना है एंड शेयर करना है। पर शेयर करने के पहले आपको लर्न करना है। जैसा अगर आपको कार नहीं आता है चलाने, तो पहले आप ड्राइविंग स्कूल में जाओगे, कार सीखोगे, लाइसेंस लोगे, फिर रोड पे कार लेके निकलोगे। विदाउट लाइसेंस और विदाउट कोचिंग अगर आप कार लेके निकलते हो तो 101% एक्सीडेंट होगा। उसी तरह से ये बिजनेस में आपको पहले नॉलेज लेना है। बिफोर फीडिंग योर ब्रेन डोंट ओपन योर माउथ, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। बहुत बार लोग गलती क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में लोगों को बात करना शुरू कर देते हैं और बाद में वो 3-4 लोगों का रिजेक्शन फेस करके फिर वो धराशायी हो जाते। तो पहले नॉलेज लेके फिर लोगों से बात कीजिए। और जिस इंसान ने आपको यहाँ पे लाया है, जैसा मम्मी जब बर्थ देती है ना बच्चों को, तो उनका भी केयर उनको बहुत लेना पड़ता है। उसी तरह से आप ये बिजनेस में छोटे न्यू बॉर्न बेबी हो, तो आपका पूरा केयर लेने का राइट जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया उनको लेने दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे आपको दो तरीके से आप एंगेज हो सकते हैं। अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है एमवे के, तो आपको प्रीफर्ड कस्टमर बोल के आप ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, योर डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस विद पिन कोड, इतना इन्फॉर्मेशन लगेगा। एक OTP आपके मोबाइल पे आएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जहां पे आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको नेटवर्क खड़ा करना है तो आप ADR बोल के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे। जिस इंसान ने आपको इन्वाइट किया है वो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। यहाँ समय की कमतरता की वजह से ज्यादा डीप में मैं नहीं जा सकता हूँ। तो आपको तीन तरीके से आपका जो एंगेजमेंट प्रोग्राम है, PC, ADR एंड ADS। नेक्स्ट है, आपको अर्निंग मिलेगा अलग अलग तरीके से। 10% ट्रेड मार्जिन है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव है, परफॉर्मेंस बोनस 3-21% है, लीडरशिप कमीशन 6% है, एनहांस सेल्स कमीशन 2% है और ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन स्टार्ट होता है हमारे लेवल से, वो 1% है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, एक 5,000 का प्रोडक्ट घर में यूज करने के लिए यूज प्रोडक्ट लेना है, वो यूज करना शुरू करना है। और एक 3 कस्टमर के थ्रू अगर आपने 5,000 का टर्नओवर किया तो आपका टर्नओवर हो जाता है 20,000 रुपए का। 20,000 का अगर आप टर्नओवर करते हो तो आपका पार्ट टाइम इनकम होता है 3,000 रुपीज। अभी बहुत लोग बोलते हैं एमवे के प्रोडक्ट महंगे है, मुझे कभी कभी शंका आती है कि उनका यानी थॉट प्रोसेस क्या है। देखो, 5,000 का प्रोडक्ट आपने लिया, आपने 3 कस्टमर बनाए और उनके थ्रू 15,000 का टर्नओवर किया, तो आपके अकाउंट में 3,000 रुपए आ रहा है। तो 5,000 आपने इन्वेस्ट किया, आपको रिटर्न 3,000 आ गया, तो प्रोडक्ट कितने में मिल गया, 2,000 में। हम गए 18 साल से पूरे क्वालिटी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं। इजंट इट एक्साइटिंग?
दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। अगर आप नेटवर्क खड़ा करते हो तो आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लेवरेजिंग योर टाइम एंड एफर्ट्स बाय एक्सपांडिंग नेटवर्क। अभी आपको आपकी अगर टीम बनाना है आईपीएल टीम, तो कैप्टन किन को लेंगे? विराट कोहली को लेंगे या गली में क्रिकेट खेल रहा है उसको लेंगे? अब विराट कोहली को लेना है तो आपको पैसा भी गिनना पड़ेगा विराट कोहली का। तो सेम थिंग आपको एमवे बिजनेस में पार्टनर भी क्वालिटी आइडेंटिफाई करना है आपके लेवल के और आपके ऊपर के लेवल के। ये बिजनेस में आपको नीडी लोग नहीं चाहिए, ग्रीडी लोग चाहिए। पर ग्रीडी लोग कौन से? जो चारित्र्यवान है ऐसे ग्रीडी लोग, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो हमें 12 टीम आइडेंटिफाई करना है और उनको क्या सिखाना है? 20,000 का टर्नओवर करने को सिखाना है। तो आपका टर्नओवर हो गया 2,40,000 का और आपका पार्ट टाइम इनकम 24,000 रुपीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये 12 टीम के थ्रू आपने नेटवर्क को एक्सपांड किया, आपके टीम में 50 लोग हो गए, 50 लोग 20,000 का टर्नओवर कर रहे, आपका पार्ट टाइम इनकम 1.5 लाख रुपए। इजंट इट एक्साइटिंग? देखो आपने प्रोडक्ट कितने का लिया है, 5,000 रुपीज, अर्निंग 1.5, यानी अकाउंट में जमा 1,45,000। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे आपको जो बता रहा हूं मैं, डायमंड बोल के एक रिकॉग्निशन पिन लेवल रहता है, उसको हम बेताज बादशाह बोलते हैं। आपके 6 टीम में जब 10,000 पॉइंट का टर्नओवर होता है, यानी 1,00,000 का टर्नओवर होता है, तब आपको रॉयल्टी हर ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, 6% परफॉर्मेंस कमीशन मिलता है लीडरशिप, वो होता है, एक कैलकुलेशन के पर्पज से लेता हूं मैं, 50,000 रुपीज। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये हो गया 2.5 लाख। बाकी डेथ बोनस इंसेंटिव सब मिला के पर मंथ इनकम है डायमंड का 5 लाख रुपीज। Isn't it exciting? Next slide, please. अभी यहाँ पे आपको हम जो इनकम बताने जा रहे हैं, ये आपने एमवे ने पेड किया वाला इनकम है इन द ईयर सितंबर 2018 टू 2019 में पेड किया एमवे ने। फाउंडर प्लैटिनम लेवल के ऊपर मंथली अर्निंग है 76,000, ईयरली अर्निंग है 9.16 लाख। फाउंडर एमराल्ड लेवल 2.69 लाख पर मंथ एंड 32 लाख पर एनम। फाउंडर डायमंड 7 लाख पर मंथ एंड 84 लाख पर एनम। ये एक्सक्लूडिंग क्या है पता है? रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस एंड अदर सेल्स इंसेंटिव। इसको अगर आप ऐड करते हो तो फाउंडर प्लैटिनम पे 15 लाख रुपए इनकम हो जाएगा, फाउंडर एमराल्ड पे 40 लाख रुपीज इनकम हो जाएगा और फाउंडर डायमंड पे 1 करोड़ इनकम हो जाएगा। अभी आपका चॉइस है कौन बनेगा करोड़पति देखते बैठना है या ये अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके करोड़पति बनना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी यहाँ पे बहुत लोगों का और एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, एमवे में जिसने शुरुआत में काम शुरू किया वो अमीर बन गए, वो ऐसा नहीं है। वो जीएम जब रहता है ना, वो जनरल मैनेजर डिप्टी जनरल मैनेजर क्या सोचता है पता है? रोज प्रेयर क्या करता है? ये जीएम को एक तो भगवान उठा ले, नहीं तो कंपनी उठा ले, यानी कंपनी निकाल देंगी या भगवान उठा लेगा तो मैं जीएम बन जाऊंगा, ऐसा प्रेयर उधर चलता है। हमारे इधर ऐसा कोई प्रेयर नहीं है। ये बिजनेस का सबसे बढ़िया ब्यूटी क्या है बता देता हूँ, मेरा बच्चा अगर मेरे से आगे निकल जाता है तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि मेरा वो लेग स्टेबल हो गया और उसका रॉयल्टी मुझे मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आने वाला है। तो यहाँ पे अजय नाम का व्यक्ति है, उसने 2 टीम डेवलप किया, वो फाउंडर प्लैटिनम चला गया, उसका अर्निंग है 9.16 लाख रुपीज पर एनम। बिंदु नाम का लड़का है, वो हुशियार निकल गया अजय से, उसने 3 टीम डेवलप किया, उसको पोटेंशियल पता चल गया और वो फाउंडर एमराल्ड चला गया, उसका अर्निंग अजय से ज्यादा हो गया। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और बिंदु ने धनंजय को लाया, धनंजय उससे स्मार्ट निकला, उसको पता चल गया अरे अपॉर्चुनिटी में मैं ज्यादा काम करूंगा तो मैं ज्यादा पैसा बनाऊंगा, और उसने कड़ी मेहनत किया और उसने ये अजय और बिंदु के पहले 6 टीम खड़ा कर दिया 10 लाख का टर्नओवर करने वाले, और उसका साल का अर्निंग हो गया 84 लाख रुपीज। दिस इज द नॉट टाइम स्केल प्रमोशन बिजनेस, दिस इज अ परफॉर्मेंस स्केल प्रमोशन बिजनेस। आप परफॉर्म कैसा कर रहे हो, इट प्लेज एन इमिनेंट रोल इन योर लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे आपको ट्रीस मिलते हैं और ये देखो ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, एमवे बिजनेस लीडरशिप सेमिनार, दिस इज अ लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस, ये ध्यान में रखो। लीडरशिप बोला गया है, मैनेजरशिप नहीं बोला गया है। लीडर लीड द बिजनेस। और एमवे लीडरशिप सेमिनार किनको मिलते हैं पता है? जो टीम को लीड करते हैं। और लीडरशिप के लिए आपको खुद के अंदर बहुत सारे बदलाव लाने पड़ते हैं। तो ये एमवे लीडरशिप सेमिनार, दुनिया घूमना कोई बड़ी चीज नहीं रही आज के डेट में, पर एमवे लीडरशिप सेमिनार अटेंड करना बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है। अभी रिसेंटली भद्रेश गिरा जी हमारे साथ बहुत एंजॉय किए, अंतालिया में बहुत सारे लीडर्स थे,
तो ऑस्ट्रेलिया हम ऑलरेडी जाके आ चुके हैं। सिंगापुर मैं तो मेरा पूरा फैमिली के साथ गया था, यूनिवर्सल स्टूडियो मेरे बेटे ने जबरदस्ती मुझे वो राइड में बिठाया था, तो बैठने के डेरिंग करके तो बैठ गया। बाद में बोला नानी माँ याद आ रही थी मुझे, तो पूरा आँख बंद कर लिया, बोला बच गया तो उड़ जाएंगे। आखिरी में जब राइड रुक गया था आँख खोला मैंने, और बच्चे की जिद पूरा करना पड़ा था। वो बहुत खुश हो गया, बोला ये राइड में मुझे बैठने का था। देखो मैं बिजनेस को ना बोलता था तो कौन से राइड में घुमाता था, कोई लोकल गार्डन में घुमा के लाता था, पर आज बच्चे मेरे दुनिया घूम रहे। बेटी दुबई के कॉफी शॉप में बढ़िया स्टारबक्स कॉफी में जाके कॉफी ले रही है, और वो डाल रही है फ्लायर में। उसके क्लासमेट पूछ रहे सही में गए थे क्या दुबई, या ऐसा ही एडिट करके डाला है। बोले नहीं नहीं सही में गए थे। तो उसके टीचर हमें मिलने आए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। तो ऑस्ट्रेलिया हम जाके आए, सिंगापुर जाके आए, स्विट्जरलैंड जाके आए, नॉर्थ अमेरिका नायगरा फॉल्स विजिट किया हमने, थाउजेंड आइलैंड्स गए थे। मैं तो 8 दिन मेरे खर्चे से कनाडा में रहा था। मैं बोला जहाँ पे नौकरी करने के लिए जाने वाला था, बोला चलो उस सिटी को एंजॉय करते खुद के पैसे से। तो बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है। आज मेरे 18 फॉरेन ट्रिप हो चुके हैं दोस्तों। बहुत बड़ा बिजनेस है। वी आर ऑल ब्लेस्ड बाय गॉड। और आप ये अपॉर्चुनिटी को लाइटली मत लीजिए। और जाते ऐसे मैं एक स्टोरी से क्लोज करूंगा, क्योंकि स्टोरी लोगों के जीवन में ज्यादा याद रही। आपको करना क्या एग्जैक्टली, जिस इंसान ने आपको बुलाया उनके साथ मीटिंग सेट कीजिए, सुनने के लिए कुछ लीजिए, पढ़ने के लिए उनसे कुछ लीजिए। आइडेंटिफाई योर व्हाई, आपका व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें लिस्ट मैटर करती है। और कंटिन्यू बिल्डिंग अ केस फॉर योर सेल्फ। और जाते जाते मैं स्टोरी से जैसा क्लोज करूंगा, एक इंसान जैसा, वो लाइब्रेरियन था बहुत बड़ा, और इसराइल में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था। और पुराने जमाने में आपको पता है बहुत सारे वार होते थे, तो वहां पे वो जो बहुत बड़ा जो लाइब्रेरी था वो जला दिया गया था। फिर वो लाइब्रेरियन जब पूरा आग मिटते आया, तब वो थोड़ा घूमते घूमते आ गया, कुछ बचा है क्या देखने के लिए। तो उसने देखा वहां पे एक मटका था और वो गर्म लग रहा था। उसके अंदर जाके देखा उसमें किताब था। वो किताब उसने निकाला बाहर और वो किताब खोला उसने। वहां पे एक चैप्टर था कि नदी के किनारे अगर आप जाओगे तो एक आपको पत्थर मिलेगा, और वो पत्थर गर्म है। अब जब आप टच करोगे वो गर्म लगेगा। अभी नदी के किनारे पत्थर पूरे पानी की वजह से ठंडे रहते, तो बोले वो पत्थर मिराकल क्रिएट करेगा। और वो पत्थर, जिस पत्थर को आप टच करोगे वो उसमें सोने में कन्वर्ट करेगा, तो उसका नाम पारस है, ऐसा बोल दिया। तो ये दौड़ते दौड़ते नदी के किनारे गया और इसने देखा बहुत सारे पत्थर थे, तो थोड़ा निराश होके बैठ गया वो। फिर बोला चलो सवेरे से लग गया वो पत्थर ढूंढना। एक पत्थर उठा रहा है नदी में डाल रहा है, एक पत्थर उठा रहा है नदी में डाल रहा है, उसका डालना चालू है पत्थर। और एक गर्म पत्थर उसके हाथ में आ गया, पर वो भी उसने रिफ्लेक्स एक्शन फेंक दिया नदी में, और बाद में वो पछता रहा है, अरे यार वो पत्थर था, पारस था, मैंने फेंक दिया। उसी तरह से हम नुक्कड़ पे जा रहे प्रोडक्ट लेके आ रहे, अमेजोन पे जा रहे प्रोडक्ट लेके आ रहे, वहां पे जा रहे प्रोडक्ट लेके आ रहे, एसेट हम उनके क्रिएट कर रहे। हम आपको आज एक ऐसा पत्थर देने जा रहे हैं, वो पारस, ऐसा पारस से बड़ा पत्थर है। वो पारस भी सिर्फ सोना बनाता था, हम ऐसा पत्थर देने जा रहे हैं, वो पारस जिसको टच करेगा वो पारस बन जाएगा। इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और सुनील जी ने और धर्मिष्ठानी जी हमें जो मौका दिया है आप लोगों की सेवा करने का, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बैक टू द होस्ट। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन बात उन्हें बताई कि आप चेंज विद द ट्रेंड, नहीं तो एंड। अभी ये लाइन ही बहुत मजबूत लाइन उन्होंने बताई है, और समझदार को इशारा काफी है। और जिन लोगों ने समझदारी किया, उन लोगों ने क्या किया, जो लैपटॉप में आता है ना, आपके कीबोर्ड में आता है एस्केप, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एस्केप आता है, और उन्होंने क्या किया, वो ये जो हम जो अभी जो जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो सेटिस्फाइड कस्टमर है, जिन्होंने वो जो कहीं से प्रोडक्ट ला रहे थे ना उसको एस्केप किया, वो दम वाला बात होता है, और वो दम उन्होंने किया, इसीलिए वो सेटिस्फाइड कस्टमर है और एक आम आदमी से खास आदमी बन गए हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से लोग हैं जो आम आदमी से खास आदमी बने, सेटिस्फाइड कस्टमर प्लीज।
जी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और मैं टीचिंग प्रोफेशन पे हूँ फ्रॉम हैदराबाद। दोस्तों मैं आज जिस प्रोडक्ट के बारे में अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ वो है कैलमैक डी प्लस। राइट, हमें से बहुत सारे लोग स्पेशली जेंट्स ये सोचते हैं कि हमें कैल्शियम की जरूरत ही नहीं, बट मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। 2012-13 में मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे और जिनके बाद जब मैंने अपनी बोन मास डेंसिटी टेस्ट चेक करवाई सो आई वॉज ऑस्टियोपेनिक एंड मुझे काफी बुरा लगा उस समय। एंड आफ्टर दैट आई वॉज यूजिंग, जब से मैं कैलमैक डी प्लस यूज कर रहा हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ कैलमैक डी प्लस मुझे कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी की एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट जो मेरी बॉडी को थी उसको मैंने कंप्लीट किया। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स जब मैंने अपनी दोबारा बीएमडी टेस्ट करवाई तो इट वॉज नॉर्मल। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, फ्रॉम द लास्ट 7 to 8 years आई एम यूजिंग दिस कैलमैक डी प्लस अलॉन्ग विद ऑल द अदर न्यूट्रोलाइट सप्लीमेंट्स और आज मैं 100% फिट हूँ एंड नॉट इवन एट द एज ऑफ 36 आई एम अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर। आई एम प्लेइंग लीग्स ऑल्सो फ्रॉम द लास्ट 5 years। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिता है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। आज मैं जो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, मैं ग्लिस्टर का है। तो ग्लिस्टर मुझे बहुत साल पहले मुझे दांतों का बहुत प्रॉब्लम होता था, मतलब ब्रश करते वक्त ब्लड आना और कुछ भी चीज खाने से स्वीट, मुझे स्वीट बहुत पसंद है, जब भी स्वीट खाती हूँ मेरे मसूड़े फूलते थे और बहुत दर्द होता था। मगर जब से ग्लिस्टर रेफर किया, जब से मैं यूज कर रही हूँ, उससे ये सारे प्रॉब्लम्स विद इन 2 to 3 months में ये सारे प्रॉब्लम्स, मतलब मसूड़े फूलना, दर्द होना, दांतों से ब्लड आना, ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। और इसके साथ इसमें रेमिनेट पेटेंटेड फॉर्मली, इसके साथ क्या हुआ, मेरा मिनरल्स डिपॉजिट होके मेरा दांत बहुत स्ट्रांग हो गया है। So now I am having a very healthy teeth and I am so happy. Thank you. Namaste friends, मेरा नाम संध्या है, I am homemaker from Hyderabad. मैं आज ये विटामिन सी का वो मैं टेस्टिमोनियल बताना चाहूंगा कि एक साल का पहले मेरा स्किन का कंसर्न बहुत था, वो एक्सप्रेशन लाइंस और स्किन टोन ये पूरा प्रॉब्लम्स था। जैसा ये विटामिन सी मैं यूज करना शुरू किए, विद इन 1 month मेरा स्किन के लिए मैं इतना ड्रामेस्टिक चेंजेस देखा, वो एक्सप्रेशन लाइन्स पूरा चले गए, मेरा स्किन टोन और मेरा स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया। तब से मैं ये विटामिन सी रेगुलरली इसके साथ और दूसरा आर्टिस्टी प्रोडक्ट्स भी यूज करना रेगुलर शुरू किए। एक बात बोलते दोस्तों, अभी मैं बहुत हैप्पी एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वैशाली महेंद्र कदम है और मैं आपको आज न्यूट्रीलाइट का डेली के बारे में बताना चाहती हूँ, यानी न्यूट्रीलाइट डेली का सप्लीमेंट का मुझे क्या फायदा हुआ। तो मैं जब से ये न्यूट्रीलाइट का सप्लीमेंट ले रही हूँ, मुझे पहले माइग्रेन का बहुत, यानी माइग्रेन होता था मुझे पहले, जब भी मैं ट्रैवलिंग में जाती थी तो मुझे बहुत सिर दर्द होता था। लेकिन जब से मैंने ये डेली का न्यूट्रीलाइट के डेली का सप्लीमेंट यूज करना शुरू किया, तब से मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम नहीं है और दिन भर मुझे थकान भी महसूस नहीं होती है। जब भी मैं वॉकिंग को जाती हूँ, और मेरी एक फ्रेंड है मेरे साथ, वो रोज आती है, वो भी जब मेरे साथ वॉकिंग पर आती है, घर आकर वो थक जाती है और सो जाती है, लेकिन मुझे आज तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या उतरते हैं, चढ़ते समय बहुत, यानी क्या, हम हाँफते हैं, वैसा भी प्रॉब्लम मुझे आज तक नहीं हुआ। यानी इसके बहुत सारे फायदे हैं और मैं मेरी फैमिली में सबको मैंने ये प्रमोट किया है, शेयर किया है और आज मेरे बहुत सारे न्यूट्रीलाइट के कस्टमर्स हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नाम है यामिनी कुटारे, मैं हैदराबाद से हूँ और आज का जो मुझे प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल शेयर करना है वो है एमवे का सर्फ एक्टेंट 8। देखिए लेडीज को जनरली बहुत
दिक्कतें होती है घर से, जब होम केयर में मैं जैसे हाउसवाइफ थी और मेरे हस्बैंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे कंपनी में, तो इंडस्ट्री में जैसे जाते थे तो उनके शर्ट पे या पैंट पे बहुत धब्बे लगते थे, और उसलिए मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करना पड़ता था, जैसे प्री ट्रीट करना पड़ता था या व्हाइट शर्ट व्हाइट कैसे दिखे उसके लिए बहुत सारा मशक्कत होता था। तो उस चीज के लिए मुझे टेंशन होती थी कि इनके कपड़े क्लीन कैसे दिखे, लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होती थी। लेकिन जब एमवे का सर्फेक्टेंट 8 मेरे हाथ में आया तो मेरे जैसे मैजिक हो गया, जो मशक्कत करनी पड़ती थी वो घंटों का काम मिनटों में होने लगा मेरा। और जिसके कारण ये हुआ कि जो प्रोडक्ट मैं 3-4 यूज करती थी मार्केट के, वो मार्केट के प्रोडक्ट यूज करना छोड़ के मैंने एमवे का सर्फेक्टेंट 8 यूज करते हुए मैंने अपना तो लाइफस्टाइल चेंज कर ही लिया। जो कपड़ों का जो काम था मशक्कत वो इजी वे में करने लगी, प्लस मैंने बहुत सारे लेडीज को भी ये रेकमेंड किया, जिसके कारण मैं खुद तो सेटिस्फाइड कस्टमर बन चुकी हूँ, लेकिन औरों को भी मैं रेकमेंड कर रही हूँ। और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड ओवर टू यू। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कोई आम प्रोडक्ट के बारे में जो सालों से यूज करता है, क्या उनके बारे में ये बात कर सकते हैं क्या? सोचना है, जिसके पास 100 ग्राम है ना, वो आज जरूर सोच सकता है कि इतने सारे प्रॉब्लम के अगर सॉल्यूशन मिल सकते हैं तो क्यों ना हम इस्तेमाल करें। पैसा तो आएगा ही आएगा, पर आपके प्रॉब्लम कितने सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सबकी बात सुन के। और कभी कभी इंसान कहता है कि पैसा तुम मेरे पास आए ना तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है इंसान तू कुछ करेगा तो मैं तेरे पास आऊंगा। और ऐसे ही लोग जिन्होंने कुछ करके दिखाया तो पैसा उनके पास गया, उन्होंने अपना प्रोडक्ट चेंज किया, उन्होंने बात करना शुरू किया। तो हम लोग ऐसे ही लोगों को मिलते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया और यूज करने के साथ साथ उन्होंने कुछ कस्टमर बनाए। तो ऐसे सीएफएसआई अर्नर को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और जहां से उनकी इस बिजनेस में जर्नी शुरू होती है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसको समझ आने लगा, थोड़ा और लीडर आने लगे और 20,000 प्लस टर्नओवर उनका होने लगा। तो उनको 3% बोलते हैं, सभी 3% को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद 60,000 का जब टर्नओवर होता है तो उसको बोलते हैं 6%, और हम सभी 6% को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद जब आपकी टीम का टर्नओवर 1,20,000 हो जाता है उसको बोलते हैं 9%, हम सभी 9% को रिकग्नाइज करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि वो लीडरशिप में आ चुके हैं। और उसके बाद 2,40,000 का होता है टर्नओवर, उसको बोलते हैं 12%, और आज की तारीख में इंडिया में 70% से कम लोगों को ये इनकम मिलती है। 20-25,000 का अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा है तो इनकम आ सकती है। तो सभी 12% लेवल को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद 9-15% में आप रहते हैं और आपकी टीम में 200 पॉइंट्स के 3 ग्रुप हैं, तो आपको BFI अर्न कर सकते हैं, और BFI में आपकी इनकम के 20% आपको और मिल सकते हैं। तो सभी BFI अर्नर को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद आपकी टीम का टर्नओवर जब 4,00,000 का हो जाता है तो उसको बोलते हैं 15%, सभी 15% को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और ये पैकेज बोल सकते हैं, ये जो 15% ब्रॉन्ज बीन, ये सारे ऐसे पैकेज है ना जहां लोगों को पैसा बिल्कुल आने लगता है और बरसने लगता है, ये ऐसा है लेवल। तो सभी ये लेवल को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद 7,00,000 का जब टर्नओवर होता है उसको बोलते हैं 18%, सभी 18% को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद जब 15-21% के बीच में आपके टीम में 600 पॉइंट के 3 लेग रहते हैं, 3 टीम रहती है, तब BBI आप अर्न कर सकते हैं, यानी BFI प्लस BBI, तो आपकी जो कोर इनकम है उसके साथ में आपको 35% और मिल सकता है, यानी 20+15। तो बड़ा हैंडसम लेवल है और बहुत पैसा कमा सकते हैं। लोग बोलते हैं एमवे में पैसा नहीं है, भाई कमाने आना चाहिए भाई, तो ये सारी चीजें कमाने के लिए है। 10,00,000 का टर्नओवर जब होता है तो उसको बोलते हैं 21%, और सभी 21% को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद एक लेवल आता है जहां से रिकग्नाइज करना शुरू करते हैं, कंपनी भी करती है और वो आदमी भी अब ये मैच्योर हो चुका है जो सिल्वर प्रोड्यूसर पे है। तो 21% सिल्वर प्रोड्यूसर हम सबको वाव, हमारे सीनियर मोस्ट लीडर पाटिल जी हैंड वेव करिए, थैंक यू थैंक यू। और हमारे संगीता बुद्धदेव जी थैंक यू आपको भी।
थैंक यू, आप ग्रेट लीडरशिप आपके अंदर है। और उसके बाद जब गोल्ड प्रोड्यूसर 3 महीना यही लेवल जब आप मेंटेन करते हैं उसको गोल्ड प्रोड्यूसर करते हैं, वाओ ग्रेट लीडरशिप। अक्षय राजगुरु जी हैंड वेव कीजिए सर, थैंक यू थैंक यू। और उसके बाद जब आपकी टीम में 10 लाख का टर्नओवर साल में 6 बार होता है उसको बोलते हैं प्लेटिनम डायरेक्ट्स, और बड़ा पैसा है और बड़ी एंसम उनको ट्रिप मिलती है, फॉरेन ट्रिप की शुरुआत हो जाती है। तो थैंक यू गौतम महाप्राता जी, आप हैंड वेव करिए, और बिल्कुल आप बहुत जोरदार हैं इसीलिए आप यहाँ हैं। और उसके बाद जब 10 लाख का टर्नओवर जब 12 महीना होता है उसको बोलते हैं फाउंडर प्लेटिनम, और बहुत ही मजबूत लोग होते हैं ये, मैंने बताया ना वो जिद्दी लोग होते हैं जो किले बनाते हैं। तो हम उसी सभी लोगों को सुनते हैं, नेम एंड प्रोफेशन प्लीज। हमारे कैलिफोर्निया से हमारे मित्र आ गए हैं राकेश जी एंड सीमा जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाय टीम, दिस इज राकेश अरोड़ा फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए एंड वी आर वेरी पैशनेटली बिल्डिंग दिस बिजनेस, थैंक यू। हे टीम, मेरा नाम सीमा है और मैं एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और साइड हसल पे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, थैंक यू। परिमल एंड श्वेता जी। हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ परिमल पटेल, फार्मा में जॉब करता हूँ, बड़ोड़ा से हूँ, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, श्वेता पटेल, बिजनेस वुमन फ्रॉम बड़ोड़ा। हेलो फ्रेंड, myself excited Falguni Padaria, by profession मैं fitness consultant हूँ, बरोड़ा से हूँ, thank you। excited संजय पादरिया, working as a head supply chain in multinational company, thank you। आशीष एंड मयूरी शाह। हेलो फ्रेंड्स, मयूरी शाह, बिजनेस वुमन फ्रॉम बरोड़ा। आशीष साहब, मैकेनिकल इंजीनियर, चार्टर्ड इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम बरोड़ा, थैंक यू। हर्षित पटेल। फ्रेंड्स, मेरा नाम हसीद पटेल है और एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रिंसिपल हूं, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ में लोग बोलते हैं हमें बिजनेस समझ नहीं आता है, और यहाँ दो दो पीएचडी मैथमेटिक्स है जिनको बिजनेस समझ आ गया है वो सफल है। तो जयेश एंड जयश्री पटेल। हेलो फ्रेंड्स, जयश्री पटेल, ओनली रिटायर्ड टीचर। हेलो फ्रेंड्स, जयेश पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैं भी मैथमेटिक्स में पीएचडी हूँ। हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे सब कोई है, वो सभी ये बिजनेस कर सकते हैं, थैंक यू। थैंक यू कुणाल पटेल जी। हेलो फ्रेंड्स, कुणाल पटेल, सिविल इंजीनियर फ्रॉम अहमदाबाद, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू प्रकाश प्रजापति जी। हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश प्रजापति, एक कंपनी में एज ए जनरल मैनेजर जॉब कर रहा हूं, और बिजनेस को मेरी वाइफ के साथ पर्सनल। थैंक यू सुरेश जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेश ठक्कर है, मैं बिजनेसमैन हूं और अहमदाबाद से हूं। मेरी वाइफ के साथ, पन्ना के साथ मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, थैंक यू। थैंक यू, और हम भी इसी लेवल पे हैं, तो हमारे लिए भी हम खुद ही क्लैप कर लेते हैं, थैंक यू। और उसके बाद जब आपकी टीम में 2 टीम हो जाती है, सैफायर एंड फाउंडर सैफायर, और अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे ये हैं आज लोग तो हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, और नहीं तो उनके लिए जोरदार क्लैप बजाएंगे ताकि वो जहां भी है वहां उनको ये क्लैप सुनाई दे, थैंक यू। और उसके बाद रूबी डायरेक्ट्स हम बीच में रह गए, तो रूबी डायरेक्ट्स भी अगर कोई है इधर इस प्लेटफॉर्म पे तो हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, नहीं तो तालियों की गूंज उन तक पहुंचनी चाहिए, थैंक यू। और उसके बाद जब आपकी टीम में 3 लीडर को आप सफल बनाने में कामयाब हो जाते हैं वो बहुत जिद्दी लोग होते हैं, और ऐसे ही जिद्दी लोग हमारे साथ में आज हैं, जगदीप कौर औलख जी और महेंद्र सिंह औलख जी, प्लीज सर। हाँ जी, थैंक यू सूरती जी, थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह औलख है, और ये बिजनेस से पहले मैं पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी में जॉब करता था और जॉब के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और अभी मेरे दोनों बेटे, डॉट इन लॉ और मेरी बेटर हाफ, हम पूरी फैमिली इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम जगजीत कौर औलख है, हम अहमदाबाद से हैं, और आज का बिजनेस प्रेजेंटेशन बहुत ही फर्स्ट क्लास था, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन, थैंक यू। और सोनल जी, नीलेश ठाकुर जी। हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मेरा नाम सोनल है, बड़ोड़ा से हूँ, और जब मैंने ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखी तब मैं गवर्नमेंट स्कूल में एज अ प्रिंसिपल जॉब करती थी। थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी आज मैं अपनी जॉब से फ्री हूँ और
आज ये बिजनेस फुल्ली मेरे हस्बैंड के साथ मिलके पार्ट टाइम बिल्ड कर रही हूँ और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू. थैंक यू. ओके नीलेश जी, प्लीज. मैं एक्साइटेड हूं, नीलेश ठाकुर बड़ोड़ा से हूँ. बिल्कुल, आपके एक्साइटमेंट के साथ हमारी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है. थैंक यू नीलेश जी. और हमारे साथ में है फाउंडर एमरल्ड. और फाउंडर एमरल्ड 12-12 महीना तीन कपल तीन ग्रुप को क्वालिफाई करते हैं और ये जिद्दी लोग होते हैं. तो सुनते हैं बद्रेश एंड गिरा शाह. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गिरा शाह बिजनेस वुमन. क्राउन बद्रेश बिजनेसमैन हूं और ये बिजनेस हम फ्लेक्सी टाइम में बिल्ड करते हैं. एक सिक्योर इनकम के लिए बिजनेस करने का डिसीजन लिया, ब्रिज सिस्टम को अपनाया, कोच के साथ बैठकर प्लानिंग किया, जो बताया गोल सेट करके हमने ये काम किया. आज हम ये लेवल पर है. आप भी छोटे काम करके यहाँ आ सकते हैं. कम एंड जॉइन अस. थैंक यू. हमारे आज के स्पीकर गणेश जी एंड भाग्यवती जी. दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गणेश कुंडलीकर पाटिल और ये बिजनेस में आने के पहले मैं प्रोफेसर था. अभी फुल टाइम पेरेंट हूँ और पार्ट टाइम में बिजनेस को बढ़ाता हूँ. एंड हियर इज माय बिट्रा. नमस्ते दोस्तों, नाम फिर वही भाग्यवती पाटिल, टीचर हूँ, पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करती हूँ. टाइम मनी इनकम सिक्योरिटी चाहिए, इसके लिए बिजनेस स्टार्ट किया था. थैंक यू. बिल्कुल, हमारे जाला सर आ गए. थैंक यू. फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह जाला है और मैं अहमदाबाद से हूं. थैंक यू. मेरा नाम अंजनाबा जाला है और बहुत पैशनेटली बिजनेस को हम बिल्ड करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू मुन्नी जी. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मुन्नी कृष्णन, मेरा वाइफ सुनीता. हम दोनों ये बिजनेस जब देखे थे, दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे. ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से पिछले 11 साल से मेरा बिजनेस वाइफ अपने जॉब से फ्री हूँ. आज गणेश जी और भागवती जी झटका दिया जरूर, जो भी लोग प्लेटफॉर्म में है उनको लगा होगा आज का झटका झटका जैसा है. अपना आंखें ओपन कर दी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. कम एंड जॉइन अस. थैंक यू. बिल्कुल. यंग एंटरप्रेन्योर योशित एंड हितेशा पटेल. यस, थैंक यू. नाम है योशित पटेल और जब स्टूडेंट था तभी ये बिजनेस को शुरू किया था और अभी एज ए करियर में और हितेशा दोनों मिलके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे. थैंक यू फ्रेंड्स. बिल्कुल, और बहुत ही जल्द इनको भी हम सुनेंगे नए साल में 2022 में. बिल्कुल, चलिए अभी उसके बाद जो लेवल बोलते हैं उसको डायमंड डायरेक्ट बोलते हैं और सभी इस बिजनेस में आने के बाद डायमंड जाना चाहते हैं. और आज हम लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हमारे साथ वो डायमंड हैं जो बहुत ही सफल हैं और हमको गाइड भी कर रहे हैं. तो एनपीएन विनीता सिंह जी. गुड इवनिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंग्रेचुलेट हमारे आज के स्पीकर, वंडरफुल स्पीकर. आई मीन उनको जब देखता हूं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार इतना पढ़ाई लिखाई किया है तो जरूर ये आदमी बहुत सोच के बिजनेस कर रहा है. आई मीन डॉक्टर गणेश, उनकी फैमिली भाग्यश्री जी, दे आर द रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल इन इंडिया. एंड थैंक यू टू टुडेज होस्ट सुनील एंड धर्मिष्ठा एंड ऑल द टीम लीडरशिप फ्रॉम अहमदाबाद, एवरीबडी बड़ोड़ा. अभी अभी बहुत से लीडरशिप अंटालिया घूम के आई है. मैं नहीं गया था, मेरा लास्ट मिनट में स्टैंपिंग नहीं हो पाया वीजा, तो मेरी वाइफ अकेले रह के आई है. रोज जलाती है मुझे कि ये देखा वो किया ये किया. आप सबसे कैसे बताऊं जो लोग नए इस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि इस बिजनेस प्लान में जो आप देखते हैं उसका कई गुना सत्य जिंदगी का तब बाहर आता है जब आप एक बिजनेस सीरियस से बिल्ड करते हो. बहुत गहरा सच है इस बिजनेस जुड़ा हुआ. आप जिंदगी की वो सभी खुशियों को पा सकते हैं जिसकी आप कल्पना शायद करते भी नहीं है, आपको ऐसी मिल जाएगी. जिसने आपको बुलाया है उनसे बैठ के और समझो और स्टडी करो उसको, और एक स्ट्रांग निर्णय जब बन जाए तो बिजनेस को आप बिल्ड करो. मगर एक बार शुरू किया तो कायरता मत दिखाना पीछे जाने की. एक वीर आदमी की तरह उतरो और जीतते दिखाओ एंड एंजॉय करो वर्ल्ड के बीचेस पे. अभी 3-4 महीने 2 महीने के बाद फिर हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, आपको आके फोटो दिखाएंगे हम लोग, तभी मेरा वीजा हो जाए. उसके बाद फिर से बाकू है, फिर एथेंस है. माय गुडनेस, कितनी लाइन लगी है. आप आ रहे हैं तो बताइए. थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल सर, हम लोग वीर लोग हैं और करके दिखाएंगे. थैंक यू. और आगे का हम लोग थोड़ा, हमको 5 मिनट लेट हुआ है पर ओके बिपिन जी, सॉरी बिपिन जी, अरे बेस्ट बिपिन जी बताए सर.
गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइज, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज के हमारे मोस्ट एक्साइटेड होस्ट और अहमदाबाद ब्रीट ओपन को हरदम बेटर बनाने के लिए बहुत मेहनत करे ऐसे ग्रेट कपल सुनील और धर्मिष्ठा और उनकी पूरी टीम के लिए तहे दिल से क्लैप होनी चाहिए फ्रेंड्स। और मैं बताऊं, जो सेटिस्फाइड कस्टमर है उन्होंने बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो सभी सेटिस्फाइड कस्टमर के लिए भी तहे दिल से क्लैप होनी चाहिए। और आज के हमारे स्पीकर रियल इट्स अल्टीमेट, रियली अल्टीमेट, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आज दिखा है। तो जैसे हमारे आज के स्पीकर है गणेश जी और भाग्यवती जी पाटिल के लिए तहे दिल से क्लैप होनी चाहिए, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आज दिखा है। और अहमदाबाद ब्रीट ओपन को हर बार बेटर बनाने के लिए जो पूरी लीडरशिप आ रही है और ये लीडरशिप को देख देख के ही सब लोग डिसीजन लेते, तो सभी ब्रीट लीडर्स के लिए तहे दिल से क्लैप होनी चाहिए फ्रेंड्स। मेरा नाम विपिन पटेल है, बाय क्वालिफिकेशन में सिविल इंजीनियर हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पैशनेटली पूरे परिवार के साथ ही बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। मेरी सक्सेस का सीक्रेट है द ग्रेट ब्रीट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम और हमारे अप्लाइड मेंटर। अगर आप भी जिसके साथ आए हो वो जो बताता है वही करते हो तो आप भी ये बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू विपिन जी और एनपी सर जी आपके विजडम शेयरिंग के लिए।